ने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। अब उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कह सकते हैं, समय नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और इसका एक कारण और भी है, नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया, तो अब ये क्या कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहाँ जिस गठबंधन में है इस गठबंधन से नाता तोड़ें। और नाता तोड़ने के बाद दो ही विकल्प है, या तो इंडिपेंडेंट रह करके अपना काम करें, लोकसभा का चुनाव भी आ गया उसमें रहें, और नहीं तो फिर दूसरे गठबंधन के साथ साठगांठ करें और अपना भविष्य तलाशें। तो इसी आधार पर हम सदा कहते रहे हैं कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा, यही हम कह रहे हैं और यही दिख भी रहा है। कोई कहता है आज ही हो जाएगा, कोई कहता है कल हो जाएगा, कोई कहता है क्या क्या कयास लगाया जा रहा है सबके बारे में कितना कहें, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। आपके आभास पर लोगों को विश्वास हो चला है, अब अगर ऐसा होता है नीतीश जी खेमा बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, तो मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे या बीजेपी का होगा या एनडीए से कोई होगा? ये तो अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला है। नॉर्मली नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिखता है। और कोई गठबंधन जो अभी है, यहाँ तक कि एनडी गठबंधन जो विरोधी का गठबंधन है, वो भी बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा रख रही है, उसके लिए दबाव डाल रही है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं एनडीए गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वो भी इनको मुख्यमंत्री मानेगा कि नहीं मानेगा कहा नहीं जा सकता है। तो इस संदर्भ में आपसी बातें क्या हुई इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट ये बात जरूर है कि हम एक ही चीज को आश्वस्त कर सकते हैं कि परिवर्तन होगा। बिहार में नौकरियों की बहार है, महागठबंधन की सरकार है। तो दिल्ली में जो भाजपा के आपात बैठक बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता, तो आप तो शुरू से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के डरी हुई है। एक बंदा तेजस्वी यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है, बिहार की महागठबंधन की सरकार मुस्तैदी से जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीजों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ अगर ठीक है तो ये अमित शाह के यहाँ सुशील मोदी किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में क्या मीटिंग दिल्ली में चल रही है उनका विषय है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में,
इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा एक दो दिन में हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल, उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहे उधर रहे, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग कोई मुश्किल नहीं। नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो, नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है। लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि अब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर विचार करना पड़ेगा ना। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्योंकि आप एनडीए के सहयोगी हो तो आप बनेंगे या बनने वाले हैं, लेकिन आप तो सहयोगी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिये, हमने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन इन तमाम सवालों को देखते हुए, तमाम परिस्थिति के मद्देनजर कि बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात पर भी विचार करते हुए तब कोई चीज हो, हम तो यही चाहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, इस बार वो क्या कह क्या लगेंगे? पिछले बार उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो है करप्शन का चार्ज है, सब कुछ है। इस बार जो दिख रहा है कि आरजेडी सिलेंडर मोड में है, जो कह रहे हैं सब मान रहे हैं। अभी तक किसी तरह का व्यक्तिगत तौर पे किसी दोनों पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया गया। ऐसे में सरकार से हटते हैं तो फिर वो जनता के बीच क्या कहने जाएंगे? यही तो बड़ा सवाल है कि क्या कहेंगे, क्योंकि जो जो तर्क हो सकता था तमाम तर्क पहले वो दे चुके हैं। अब इस बार वहां से हटेंगे तो क्या तर्क देंगे? मुझको लगता है कि कुतर्क भले कुछ दे देंगे, तर्क तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इनकी अंतिम पॉलिटिकल उलटफेर की पारी है, आप मानते हैं? देखिए, अब तो उलटफेर करें ना करें, अब आगे उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल सा है। तो इसलिए अब कहां कोई फिर अभी करेंगे फिर बाद में करेंगे, इसका कोई मामला नहीं है। अब इनके सर्वाइवल पर ही प्रश्न चिन्ह है, जितना दिन और इनकी पार्टी चल रही है बस।